आज कल आ जाएगा ना। हाँ आए हैं किस आज धरना का मुख्य उद्देश्य है 2008 में आदरणीय तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद जी 14 दिसंबर को आराम मुंडेश्वरी रेल लाइन का शिलान्यास निर्माण कार्य का शिलान्यास किए थे। विगत 12 वर्ष से हम लोग इस रेल लाइन के लिए किसी न किसी रूप में धरना प्रदर्शन संघर्ष रहे आंदोलनरत रहे, लेकिन सरकार को सरकार से हम लोग को उम्मीद बनी थी कि इस बार निश्चित तौर पर बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती रेल रूट से जुड़ जाएगी, लेकिन इस घटनाक्रम होने के बाद हम लोगों ने देखा कि रेल मंत्रालय जो आदेश अभी निर्गत किया है वो आदेश निर्गत यह है कि आरा मुंडेश्वरी रेल लाइन के सर्वे वगैरह सारा प्रक्रिया होने के बाद अब ये परियोजना को दिलदार नगर और मुंडेश्वरी धाम कन्वर्ट कर दिया गया। हम लोगों ने अभी तत्काल हम लोग दो दिन पहले हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और रेल मंत्री जी को और हाजीपुर जो पूर्व मध्य रेलवे के जो महाप्रबंधक है उनके यहाँ हम लोग फैक्स के माध्यम से ज्ञापन देकर हम लोगों ने मांग किया है कि जो आरा मुंडेश्वरी रेल लाइन परियोजना है इसको तत्काल शुरू किया जाए, निर्माण कार्य शुरू किया जाए। ये चालू वित्तीय वर्ष में 2021-22 में शुरू किया जाए, क्योंकि ये वर्षों से यह मामला लंबित पड़ा हुआ है। लेकिन आज जिस तरह से शाहबाद को उपेक्षित किया गया है, शाहबाद के साथ धोखा किया गया, इस परियोजना के साथ छेड़छाड़ करके रेल विभाग ने जिस तरह से कदम उठाया है, इसके खिलाफ में हम लोगों ने आज धरना के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और देश के रेल मंत्री जी से हम लोग मांग करते हैं, आग्रह करते हैं, इस माध्यम से हम लोग चेताते हैं और कड़ी चेतावनी देते हैं कि अगर छेड़छाड़ हुआ आरा मुंडेश्वरी रेल लाइन परियोजना के साथ तो निश्चित तौर पर पूरे शाहबाद में जरे जरे में चप्पे चप्पे में हम लोग उग्र और तेज आंदोलन करने का काम करेंगे। करना होगा।